नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया है और इस बार 74.96% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पिछले चुनाव के मुकाबले वोटिंग में करीब 1% का इजाफा हुआ है। उम्मीद के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और लेकिन राजस्थान की अगर बात करें, देखिए राजस्थान में 30 साल से ये रिवाज है कि हर चुनाव में सरकार बदला करती है, यानी कि एक बार बीजेपी की सरकार तो अगली बार कांग्रेस की सरकार। 1993 से यही रिवाज जो है वो चल रहा है और हर बार सरकार बदलती रही है। 1993, 2003 और 2013 में जहां बीजेपी की सरकार बनी, तो वहीं 1998, 2008 और 2018 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। इसी तरह से पिछले कई चुनावों से वोटिंग का भी एक ट्रेंड है, जिसके मुताबिक वोटिंग ज्यादा होने पर बीजेपी की सरकार बनती है, जबकि पिछली बार के मुकाबले वोटिंग कम होने पर कांग्रेस की सरकार बनती है। रिवाज और वोटिंग दोनों ही ट्रेंड कहते हैं कि इस बार बीजेपी की जीत की उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन इनको ठुकराकर अशोक गहलोत जो ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि लोगों का आशीर्वाद हमें मिल चुका है और कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी, तो क्या वाकई ऐसा होगा? क्या गहलोत की सरकार रिपीट होगी या मोदी का चेहरा हिट होगा? चुनाव में पायलट और गहलोत की मन मुटाव का कितना असर होगा? बिना सीएम चेहरे के बीजेपी का उतरना कितना कारगर होगा? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। आम जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास हम प्राप्त कर चुके हैं। हमारे कामों से, हमारी परफॉर्मेंस से, हमारी स्कीमों से, हमारे कानून बनाने से और हमारी गारंटियों से। तो हर जवान पर यह है कि सरकार ने बहुत शानदार काम किया। इस बार कोई एंटी इंकमेंट ही नहीं है। मेन बात यह है, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कमेंट नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और ये हमें जिताएगा। ये वोट हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए और ये वोट आने वाले नेशन बिल्डिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैं भी कह रही हूँ कि अंडर करंट है और वो अंडर करंट उनको अपने को सबको दिख जाएगा 3 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मैं एक लाइन में अगर कहूँगा तो पांचों जगह पर जो पिछला हमारा परफॉर्मेंस था उससे बेहतर होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। मैंने कई पोलिंग देखे हैं यहाँ के, सब जगह उत्साह का माहौल और कांग्रेस की तो भीड़ पड़ रही है, काफी बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीत रही है। मुझे लगता है कि ये अच्छा चुनाव लड़ा गया और इसमें सब ने अपनी बात रखी। अब अंतिम निर्णय जनता ने कर दिया, अब भविष्य जो है वो पेटी में बंद है, लेकिन मैं आशावान हूँ कि जनता एक बार पुनः कांग्रेस को मौका देगी और अच्छे बहुमत के साथ 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो हम लोगों को जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कॉन्फिडेंट द रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड देयर विल बी अ रिकॉर्ड margin with a record margin of votes, BJP is going to win. I think 2013 was the highest margin any party has won in recent history, and that we will break that record. The Bharatiya Janata Party record of 2013 again we are going to break by the Bharatiya Janata Party itself. तो राजस्थान में जिस तरह से इस बार मतदान हुआ उसका फायदा किसे मिलेगा, क्योंकि 1% के आसपास जो है वो इस बार परसेंटेज बढ़ा है, 75% के आसपास इस बार जो है वो मतदान हुआ है। अपनी अपनी जीत के दावे किस तरह से नेता कर रहे हैं, तो सवाल यहां पर यही है कि इस बार क्या सत्ता बदलने जा रही है या रिवाज बदलेगा, क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं इसमें, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी की प्रवक्ता राखी राठौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे भी हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और चर्चा की शुरुआत आलोक जी आपके साथ, क्योंकि गहलोत जी कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, लेकिन अगर रिवाज जो हमेशा निभाया जाता रहा है राजस्थान में बात उसकी करें या वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो लग तो नहीं रहा कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान पहला राज्य नहीं है जिसमें रिवाज बदला है।
चाहे केरल देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश देखिए, बहुत राज्य ऐसे हैं, आसाम भी एक ऐसा राज्य रहा कि कहीं ना कहीं सरकारें रिपीट हुई हैं, चाहे वो किसी की भी रही हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को हम धन्यवाद दे रहे थे, अब राजस्थान की जनता को भी हम सर झुका के हाथ जोड़कर नमन करते हैं कि उन्होंने पूर्ण बहुमत के सरकार बनाने की तरफ हमें आशीर्वाद दिया है। और इसके बाद तेलंगाना का नंबर है, और इसमें चार पांच अहम मुद्दे रहे। एक, 5 साल की जो परफॉर्मेंस रही वो तो रही ही, जो हमारी इस बार की जो चार पांच चीज़ें और हैं जिसमें खास तौर पर ओपीएस है, ओपीएस में आप देखिए लाखों कर्मचारी हैं, लगभग 16 लाख के करीब कर्मचारी हैं। ओपीएस के बाद चिरंजीवी योजना, लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ, 400 रुपये का सिलेंडर, और MSP की गारंटी का पहला कानून बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश राजस्थान बनने जा रहा है, और 10 रुपये का बोनस जो है दूध के ऊपर, ये तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं जो जनता को अपील कर रही हैं। और जनता को लगा है कि नहीं, जो कांग्रेस की सरकार ने किया है और आगे के लिए भी जो कह रही हैं, कांग्रेस पर भरोसा किया है। जबकि BJP का पूरा जो प्रचार था वो नकारात्मक था, नेगेटिव था, महिलाओं का ये हो गया, वहाँ का ये हो गया। भाई कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें रेप नहीं हो, कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें दिक्कतें ना आई हों, कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें मर्डर ना हुए हों, लेकिन उसको चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास, चाहे वो मोदी जी हों और चाहे BJP के तमाम कार्यकर्ता हों, सब लोगों ने एक कुत्सित प्रयास किया, मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, कि किस तरह से राजस्थान को बदनाम किया गया, और किस तरह से राजस्थान, मैं क्या समझता हूं, बिल्कुल चुनावी मुद्दा होता है, लेकिन केवल नकारात्मक धरातल पर आप चुनाव लड़ना चाहें उसके साथ पॉजिटिव चीजें भी बहुत हैं, कि पेंडेंसी रेट क्या है, किस तरह से केसेस को डील किया, FIR को कंपलसरी किया। हम स्टूडियो में बैठकर यहां पर शीरीन बातें बना लेते हैं, लेकिन जनता सब चीजों को समझती है कि गहलोत सरकार ने काम किया है तो क्या इन मुद्दों को नहीं उठाया, कानून व्यवस्था आप लोगों के लिए मुद्दा नहीं रही, क्योंकि बार बार आपकी तरफ से भी यही कहा गया। देखिए हमने मुद्दे उठाए, हमने तो सबसे पहला मध्य प्रदेश में यही मुद्दा उठाया कि चोरी की सरकार चला रहे हैं, खोखो की सरकार चला रहे हैं, MLA खरीद के सरकार चला रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा था। सरकार की विफलताओं को उजागर करना किसी का भी फर्ज बनता है, BJP का भी फर्ज था, लेकिन अपने मैनिफेस्टो को तो देख लेते, उसमें तो कुछ भी नहीं था। आप यहां पर आकर कह रहे हैं हम 450 का सिलेंडर देंगे, अब पूरा देश पूछ रहा है कि भाई राजस्थान में ऐसी क्या मेहरबानी है, उत्तर प्रदेश और पड़ोस में गुजरात दोनों में क्यों नहीं दे रहे, मध्य प्रदेश में अभी तक क्यों नहीं दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि जनता पूरी तरह से इनके चुनावी वायदों को समझने लगी है। नहीं, लेकिन वही मुद्दा आप दूसरे स्टेट में जाकर उठाएं तो वो पॉजिटिव आपके लिए, फिर आपके राज्य में वो नेगेटिव कैसे हो जाता है। बहरहाल चलिए, आप कह रहे हैं कि नेगेटिव प्रचार किया है और किसी तरह का फायदा इस बार नहीं होगा, झूठा प्रचार का आरोप राखी जी आप पर लगा रहे हैं आलोक जी। देखिए, झूठे प्रचार का आरोप लगाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि काम कुछ किया नहीं है हमने, और जबरदस्ती आकर के यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं के जो है वो नाम गिना रहे हैं। मैं तो श्रीन जी ये कहना चाहूंगी कि जब कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करके चुनाव में जाती है तो सबसे पहले जो आपके अचीवमेंट्स हैं उनको दिखाने का काम करती है। आलोक जी, मुझे लगता है कि जनता अब आपको नमन कर देगी कि प्लीज हमारा पीछा छोड़ो, क्योंकि पिछले 4.5 साल के अंदर जिस तरह की सिर्फ फुटबॉल पार्टी में रही, जो सरकार में है जो पार्टी, उनके बीच की जो द्वंद्व था उससे सबसे ज्यादा अगर सफर किसी ने किया है, जिससे झेला है, वो राजस्थान की जनता है, उनका नुकसान हुआ है। और मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, क्यों ऐसे एक राजस्थान जिसको कि एक शांतिप्रिय प्रदेश की पहचान के रूप में जाना जाता था, वहां पर महिला अपराध में NCRB की रिपोर्ट है, लगातार 3 साल से महिला रेप में हम लोग सबसे पहले नंबर 1 पर आ रहे हैं। तो इस तरह की जब स्थिति है तो क्यों ये चुनावी मुद्दा ना हो। यूपी में अगर हम लोगों ने इस रिवाज को बदला तो उसका मुख्य कारण एक सुदृढ़ जो है वो कानून व्यवस्था थी, और कानून व्यवस्था का जो बैकग्राउंड राजस्थान में रहा वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन पिछले 5 साल में हमने देखा कि किस तरह से डिटोरिएशन यहाँ पर देखा गया। क्यों ना उन मुद्दों को उठाया जाए जिसकी वजह से किसान कर्ज माफी का जो वादा इन्होंने किया था, 1 से 10 तक की गिनती युवराज यहाँ देखे गए थे, लेकिन किसानों की कर्ज माफी करी नहीं। 19,500 से ऊपर किसानों की जमीनें कुर्क हुई, और ये रिकॉर्ड जो है ये विधानसभा में खुद आपके मंत्री, आपके जो मुख्यमंत्री, उन्होंने पेश किया। इसलिए आलोक की प्लीज इस रिकॉर्ड को मदनाय मत कीजिएगा। तो जहां तक देखिए, आपने बहुत सारी बातें की जिस तरह की नेगेटिव की बात करी, आपको मालूम है चिरंजी इन्होंने जो एड दिए उन्होंने क्या बोला, मत दीजिएगा वोट, आप भी ध्यान रखिएगा कि चूक ना जाए वोट से, अदरवाइज ये योजना बंद हो जाएगी। मुझे बताइए इसमें नेगेटिविटी नहीं है क्या? अगर आप लोगों ने काम अच्छा किया है तो क्यों आपको जनता को परेशान करके जनता को इस तरह के स्टेटमेंट देना पड़ रहा है? और मुझे ये बताइए, 4.5 साल कहां थी सरकार कि जितनी भी योजनाएं, चिरंजीवी योजना आलोक जी कितने साल बाद चालू की,
ढाई साल तक श्री राजस्थान की जनता के पास में कोई हेल्थ बीमा नहीं था, यहाँ तक कि आयुष्मान योजना को भी ढाई साल तक होल्ड पे रखा, और उसके बाद जो 1.25 करोड़ लोग हैं 5 लाख तक का बीमा आयुष्मान योजना के माध्यम से मिलता है उसको एक्सटेंड किया, बाकी लोगों से प्रीमियम भरवाया। लेकिन मैं ये पूछती हूँ बड़े ही विनम्रता से आलोक जी से कि 25 लाख तक का किसको फायदा मिला? श्री एक भी नहीं मिलेगा आपको। 5 लाख और 10 लाख के बीच में 12 लोग हैं, सब लोग 1 लाख से 5 लाख के बीच में। इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आप देते हैं तो धरातल पर सुनती हुई जनता ये कहती है कि भैया क्या बोल रहे हैं, किसी को नहीं मिला इसका लाभ। आप चाहे सिलेंडर्स की बात करें, मुझे बताइए श्रीन जी, 4.5 साल बाद आपको याद आई सिलेंडर्स की, पहले क्यों नहीं याद आई? और इसी तरह की स्टेटमेंट, इसी तरह के वादे 2013 में भी मुख्यमंत्री जी ने कहे थे, लेकिन किस तरह से 21 सीटों पर आकर के कांग्रेस पार्टी निपटी थी हमने देखा था। और वैसे ही स्टेटमेंट अभी वो तो राखी जी, फिर तो वो मध्य प्रदेश में भी आप लोगों से पूछा जाएगा ना कि क्यों आप लोगों को लाडली बहना योजना का ही हर जगह जिक्र करना पड़ा। वो तो देखिए आपको भी पता है कि चुनाव आते ही इस तरह की जो बौछारें हैं लोगों के लिए वो की जाती है। ठीक है, चलिए मैं अपने अब दूसरे मेहमानों का भी रुख करूं, फिर मैं आलोक जी से जवाब भी ले लूं। ठीक है, मैं आलोक जी से उसका जवाब भी लूंगी जो आपने कहा, लेकिन पहले बाकी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। अभय जी आपको क्या लगता है, क्योंकि हम इस ट्रेंड पर बात कर रहे हैं, ये जो ट्रेंड दिखाई राजस्थान में रहा है पहले से, एक तो रिवाज वाली बात, और अगर परसेंटेज बढ़ता है चुनाव में, अगर वोटिंग बढ़ती है तो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता है, क्या लग रहा है सर आपको, ये वोटिंग ट्रेंड यही कह रहा है क्या? देखिए राजस्थान में पिछले 30 साल से कोई भी मुख्यमंत्री अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं कर पाया। इस लिहाज से कांग्रेस के खिलाफ, अशोक गहलोत के खिलाफ काफ़ी आधार है ये मान लेने का कि वो चुनाव में पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये भी देखने की बात है कि अशोक गहलोत से ज़्यादा बेहतर तरीके से, नियोजित तरीके से सोच समझकर करीब 2 साल से किसी ने चुनाव लड़ा भी नहीं है। आप पिछला वसुंधरा राजे किस तरह चुनाव लड़ी थी किसी को याद भी नहीं है कि वो किस तरह चुनाव लड़ी थी। अशोक गहलोत चुनाव जीते हैं हारे हैं, लेकिन लोगों को याद रहेगा उन्होंने कुछ खास तरीके से चुनाव लड़ा, उनके पास कुछ कहने के लिए था, कुछ उन्होंने करके दिखाया। अब वो कितना कामयाब होता है कितना नहीं कामयाब होता है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि किसी भी सरकार का फर्ज है कि वो कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारे और खास तौर से स्त्रियों के खिलाफ सुरक्षा के प्रश्न को काफी महत्व दे, जिसमें कांग्रेस सरकार उतनी कामयाब नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपनी योजनाओं के जरिए जो राजस्थान का स्त्री समाज है उसको बहुत गहराई के साथ स्पर्श करने की कोशिश की है, तो ये दोनों ही पहलू हैं। तो मैं ये मानता हूं कि वहां पे करारी टक्कर चल रही है, और मैं साथ में ये भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले एक कदम आगे है। आप बीजेपी को कह रहे हैं कि एक कदम आगे, जहां तक चुनाव, जहां तक आपके मतदान प्रतिशत का सवाल है, मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। अगर हम ये माने कि ज्यादा मतदान भाजपा के पक्ष में जाएगा और कम मतदान कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जैसलमेर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ तो क्या हम आज मान लें कि वहां भाजपा जीत जाएगी, या पाली में सबसे कम मतदान हुआ तो क्या हम मान लें कि वहां पर कांग्रेस की जीत निश्चित है? और जो मतदान बढ़ा भी है वो 1.9% बढ़ा है, तो कोई बहुत बड़ा नहीं। अगर 2% मतदान बढ़ जाता तब हम लोग शायद ज्यादा कुछ उसमें से मतलब निकाल पाते। ठीक है प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से मतदान हुआ इस बार 1% के आसपास का इजाफा हुआ है, क्या लगता है सर इसका असर क्या होगा चुनाव जिस दिन नतीजे सामने होंगे 3 दिसंबर को? नहीं देखिए, मतदान प्रतिशत बढ़ने का मेरी नजर में एक सबसे महत्वपूर्ण जो असर है वो ये कि लोगों की रुचि है सरकार को बनाए रखने या सरकार को बदलने, तो उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और ये तय कर लिया था कि हमको सरकार बदलना है या सरकार को बचाना है। दोनों स्थितियों में लोग जो भी समर्थक थे कांग्रेस के या बीजेपी के खुलकर निकले और बड़ी संख्या में निकले, ये डेमोक्रेसी के लिए एक शुभ संकेत। दूसरी बात, जो रिवाज की बार बार होती है कि सरकार बदलती है साल पे, हर 5 साल पे, तो एक और रिवाज है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों दो दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये तीसरी बार है, अशोक गहलोत का तीसरा टर्म है, दोनों अपनी पार्टियों को मुख्यमंत्री ने, वही कह रहा हूँ, ये तीसरा टर्म है, ये दोनों अपनी अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल के बाद जो चुनाव होता है उसमें अपनी पार्टी को जिता नहीं पाए। वसुंधरा राजे 2008 में नहीं जिता पाई और 2018 में नहीं जिता पाई, इसी तरह से अशोक गहलोत जो है ये उनका तीसरा मौका है, क्या वो हैट्रिक बनाएंगे हार की या फिर इस ट्रेंड को बदलेंगे, इस रिवाज को बदलेंगे, ये भी ये चुनाव तय करेगा। 2003 और 2013 में तो हार का सामना किया था प्रदीप जी, वही मैं भी कह रहा हूँ जी 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 2000
2003 में वसुंधरा राजे सिंधिया जीती थी, और 2013 में भी जीती थी, अशोक गहलोत हारे थे, वसुंधरा राजे सिंधिया 2008 में हारी थी और उसके बाद 2018 में हारी थी। बिल्कुल। अब जो है बारी अशोक गहलोत की है कि वो इस ट्रेंड को बदलते हैं या ये ट्रेंड कायम रहता है। तो एक तो ये भी है, दूसरा अभय जी की उस बात से मैं सहमत हूँ कि अशोक गहलोत ने चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, लेकिन सवाल यह है कि लोगों के मन में क्या था? लोगों के मन में कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी पड़ी। ये मुद्दा हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, ये मुद्दा लोगों के जब मन में आता है तो वो सरकार बदलने का ही फैसला करते हैं, जब भी कानून व्यवस्था से लोग परेशान हो जाते हैं, खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जब सवाल उठता है तो उसका असर और ज्यादा होता है। अब इसका कितना असर हुआ है, उसकी वजह से वोटिंग जो ज्यादा हुई है उस पर कितना प्रभाव पड़ा है, ये सब 3 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल सर, और उसी का इंतजार है। रामकृपाल जी, कल जब आपसे बात हो रही थी, मतदान वाले दिन जब आपसे बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि ये परसेंटेज जो है वो 75% के आसपास जाएगा, और वैसा हुआ भी। आपका एनालिसिस क्या कहता है सर, कि ये रिवाज बदल रहा है या क्या होने जा रहा है राजस्थान में, इसका असर क्या होगा? देखिए श्रीन जी, या तो रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी 3 तारीख को। रही बात जो कल हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमारे दोनों मित्रों ने बिल्कुल सही बात कही है कि गहलोत वहाँ की एक पर्सनालिटी हैं, और अच्छी तरह से मैं कहूँ तो गहलोत जी ने जो 5 साल में साबित किया है कि राजस्थान में कांग्रेस के आला कमान भी वही हैं, और उनकी शख्सियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गहलोत जी ने जाते जाते कल और परसों भी जो बात कही कि समझिए 200 सीटों पर मैं ही लड़ रहा हूँ। बिल्कुल। तो एक तरह से जो दरार 5 साल पहले कांग्रेस में सचिन और गहलोत जी को लेकर के एक पड़ी थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने पाटने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो जाते जाते दिखाई पड़ गई कि नहीं, वो दरार क्योंकि पायलट ने तुरंत खंडन कर दिया था कि कोई भी अकेले नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। तो देखिए अभी जैसे बात हो रही थी, याद कीजिए 2013 में 2 स्टेट आसपास की थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे, जबकि गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन 2013 में वो सेंटर की एंटी इनकमेंसी के चलते बाहर हो गए थे, बहुत बड़ा रोल उसका था। तो जो लोग हम लोग कई बार बात करते समय ये समझते हैं ना कि कौन क्या दे रहा है, वो 1,000 रुपया दे रहे हैं, 1,500, हमारा जो 60% वोटर है वो यूथ है। देखिए, और आज का युवा सिर्फ इतना करप्ट नहीं है कि वो सिर्फ 1,000 या 500 के नाते अपने डिसीजन बदलता है। मैं हमेशा कहता हूँ चार पांच फैक्टर होते हैं। पहला निजी हित, निश्चित तौर पर कि हमारे जिंदगी में क्या बदलाव आया है। दूसरा होता है समाज में क्या बदलाव आया है। तीसरा होता है राष्ट्र में क्या बदलाव आया है। और ये प्रेजेंट का ही नहीं, वो फ्यूचर को भी देख के चलता है। अब केवल स्टेट कैपिटल जो है वो आज की युवा का बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आज वो जानती है, आज वो मुंबई, दुबई, संघाई, सिलिकॉन वैली के बारे में सोचता है। हो सकता है उसके पिताजी वो कलेक्टर और उनके लिए जयपुर ही मुख्य हो, लेकिन बेटे के लिए नहीं है। तो आप समझिए कि वोट केवल इसलिए नहीं दिया जाता है कि फ्रीबीज हो गई, कोई जीत जाएगा। इन टोटेलिटी बहुत सारे समीकरण होते हैं। और रही बात जैसा कि हमारे सभी मित्र कह रहे हैं कि जो मीडिया का रहा है अब तक की एनालिसिस रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि गहलोत जी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी जरूर है, लेकिन मोदी जी ने भी एक खेल किया है कि बीजेपी के संगठन तो रहता ही है, तो ये लड़ाई कमोबेश मोदी वर्सेस गहलोत हो गई है। ये पर्सनालिटी चाहे कोई कुछ भी कहे, एक तरफ फूल है, एक तरफ गहलोत जी है। बल्कि मैं कहूंगा कि गहलोत जी, उनकी पार्टी कम लड़ी है, गहलोत जी लड़े हैं। ईमानदारी की बात है, यही उसका प्लस पॉइंट भी हो सकता है, और यही माइनस हो सकता है कि सचिन का जो थोड़ा बहुत भी वोट बैंक है, वो अगर वो इस बात से कन्विंस्ड है कि सचिन अगर जीते भी कांग्रेस तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, तो उसमें नाराजगी रही होगी। वो किधर गया है, क्या किया है, ये 3 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल। आलोक जी, इस पर आपसे जवाब ले लेते हैं। ये जो तकरार की बात, क्योंकि कल वोटिंग का दिन था और वोटिंग के दिन भी दोनों की तकरार खुलकर सामने आई, क्योंकि एक ने कह दिया, गहलोत ने कह दिया कि मैं ही 200 पर चेहरा हूं,
दूसरी तरफ पायलट ने सीधे ये बोल दिया कि भाई कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कोई एक नहीं चुनाव लड़ सकता 200 सीटों पर, तो ये तकरार काम ना खराब कर दे कहीं। देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी भी और कुछ मीडिया के साथी भी इसी तकरार के सहारे बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं कोई तकरार नहीं थी। कल एक प्रश्न पूछा आप ही के एक रिपोर्टर साहब थे, जो अक्सर इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं, जिस तरह के बीजेपी के प्रवक्ता सवाल पूछते हैं हमसे, उसका जवाब उन्होंने सीधे सीधे दिया, इसके अलावा कुछ नहीं था। और वो भी कल सेकेंड हाफ में जब वो जयपुर वहाँ पर थे तब उन्होंने उस तरह का प्रश्न पूछा, कहीं पर कोई तकरार नहीं है। जहाँ तक बात गहलोत जी की है तो स्वाभाविक है कि 5 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हम बीजेपी की तरह तो करते नहीं, 18.5 साल एक मुख्यमंत्री रखिए और फिर उसको डबल इंजन की सरकार। आलोक जी अब आपसे कोई सवाल करे तो आप इसे फिर दूसरी पार्टी या बीजेपी का प्रवक्ता कह देते हैं। आलोक जी मैं एक मिनट यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, ये बताइए जो दिख रहा है तो नहीं कहा वो सवाल नहीं किया जाएगा क्या? जो दिख रहा है वो सवाल तो पूछा जाएगा ना, आप ये बताइए मुझे। तो या हमने उनके मुंह में वो शब्द डाल दिए कि भाई 200 सीटों तो पर गहलोत जी कहेंगे और पायलट फिर उसको आकर कह देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट रहता हूँ शिरीन जी, अभिषेक उपाध्याय के पूरे 5 सवाल देख लीजिए क्या है वो। आप मेरे पूरे सवाल के पूरे 5 सवाल इस तरह से है कि बीजेपी का प्रवक्ता उनके मुंह में, अब सुन मैं दे रहा हूँ ना, मैं उत्तर दे तो रहा हूँ शिरीन जी। आप घबरा क्यों रहे हो, चुनाव हो लिया अब तो जो होना था हो लिया। आपके मुताबिक अगर वो सवाल नहीं है तो आप इसे ऐसा नहीं कह सकते ना। चलिए आप खैर छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बताइए कि ये क्या कहता है, ये मैसेज क्या क्या जाता है जनता के। मैं आप ही के सवाल का उत्तर दे रहा हूँ और पिछले कुछ दिनों में यही सवाल उठे हैं, जनता भी ये सब समझ गई है कि कौन सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है, अब ये जनता भी समझ गई है। खैर आपने जो प्रश्न किया, बीजेपी में जितनी तकरार है उतनी तो कहीं पे भी कांग्रेस में नहीं, बीजेपी तो विपक्ष में भी नहीं रही 5 साल। आप मुझे बीजेपी का एक आंदोलन बता दीजिए जो याद हो। आपको सचिन पायलट का तो याद होगा कि उन्होंने पदयात्रा की, हमारे यहाँ पर तो जरूर था कि उन्होंने पदयात्रा की कि पेपर लीक के ऊपर और उसके ऊपर कानून भी बना। लेकिन आप बताइए एक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, कोई बड़ा राष्ट्रव्यापी राज्यव्यापी कोई प्रदर्शन ये कर पाए हों। इनके जो जन संघर्ष यात्रा थी ना, तो उसमें जनता थी ना संघर्ष कहीं पर नजर आया, ना आक्रोश नजर आया जो जन आक्रोश यात्रा थी। जनता पूरी तरह से समझ रही है कि बीजेपी केवल एक चेहरे को लेकर देश की जनता को गुमराह करती है। बंगाल का पंचायत का चुनाव हो तो मोदी जी के नाम पर दे दो, गुजरात का लोकसभा का चुनाव हो तो मोदी जी के नाम पर दे दो, वो यहाँ के बेटे हैं, यहाँ वो बचपन में आए थे, यहाँ वो बुढ़ापे में आए थे, यहाँ वो जवानी में आए थे। अब जनता समझ गई है कि इन चीज़ों के नाम पर वोट नहीं दिया जा सकता है। वहाँ पर चुनाव खत्म किया तो मथुरा पहुँच गए, सारा मीडिया खा जाओ मथुरा का। अरे भाई आप वहाँ पर एक बार चले जाते जरा उत्तराखंड में, वो 41 जो है मजदूर फंसे हुए हैं, एक बार जाके 10 मिनट खड़े हो जाते उनकी सबकी, स्टेट गवर्नमेंट और तमाम एजेंसीज के नाक में दम आ जाता, उनके पसीने छूटते, लेकिन आप वहां नहीं जाएंगे। वहां पर हमारे 5 जवान शहीद हो रहे हैं, ये उसमें बैठ के तेजस में बैठ के हवाई जहाज में भी हवाई में हाथ हिला रहे हैं। अब जनता इनको समझ चुकी है कि इन चीजों से अब वोट नहीं मिलेगा। जनता पूछ रही है बहुत ही महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार क्या हुआ, जनता पूछ रही है 8 जून पिछले साल 10 लाख रोजगारों की बात की थी मोदी जी, उनका क्या हुआ, राजस्थान में कितने रोजगार आए, हमने तो बता दिया 2,13,000 हमने रोजगार सरकारी दिए और अगला टारगेट हमारा 4 लाख का है। मोदी जी आप बताइए ना, 2 करोड़ रोजगारों की बात आपने की थी उसका क्या हुआ। अब जनता सवाल पूछ रही है, जनता पूछ रही है लंपी वायरस आया मध्य प्रदेश और गुजरात में तो 1 रुपया नहीं दिया आपने जिनकी गायों की मृत्यु हुई, लेकिन राजस्थान की सरकार ने 40,000 रुपया दिया, तो हम क्यों ना राजस्थान की सरकार को वोट दें। ठीक, आप कह रहे हैं कि साहब वो 5 लाख और 25 लाख और 20 लाख, आपने बहुत सारे सवाल बता दिए। जनता और भी सवाल पूछती है, जनता ये भी पूछती है कि क्यों भाई राजस्थान में बार बार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन चलिए क्योंकि आपका सवाल बीजेपी से था तो राकेश जी इसका जवाब दे। 22 पेपर गुजरात में आउट हुए तो राजस्थान में भी होंगे, ये किसी राज्य ने कानून बनाया हो, कैसा जवाब हो जाता है कि भाई अगर एमपी में हो रहा है, एक मिनट, अगर एमपी में हो रहा है, यूपी में हो रहा है तो राजस्थान में होना बनता है। आप उत्तर तो सुनिए मेरा पूरा, अरे भाई मेरी उत्तर तो सुनिए, मेरा उत्तर नहीं सुनेंगे आप। मैं कह रहा हूँ पेपर लीक तमाम राज्यों में हुए, कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन था कि उम्र कैद होगी, राजस्थान था, ये नहीं बताएंगे आप लोग, फिर आपके ऊपर सवाल खड़े कर किए जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। 22 पेपर गुजरात में आउट हुए, एक आदमी जेल में नहीं, अगर है तो बताइए उसका नाम। 22 पेपर आउट हुए, उत्तराखंड में पेपर कितने आउट हुए, सारे बीजेपी के लीडर्स उसमें इन्वॉल्व पाए गए, क्या ऐसा नहीं हुआ?
हमने जो भी लोग थे जेल में भी डाले और कहीं कमी रही उसको भी करेंगे। देश का प्रधानमंत्री कन्हैया लाल पर जाकर वोट मांग रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता? एनआईए की फाइलें लेके भाग गए दिल्ली, हमने 50-50 लाख दिया और उसको नौकरी दी उनके बच्चों। आज हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो अच्छा होता आप भी उस पर बात करें। हिंदू मुस्लिम करने के अलावा सवाल कोई भी आप घुमा फिरा कर दूसरी तरफ उंगली कर देते हैं। आलोक जी बेहतर होगा राजस्थान पर हम बात करें, ठीक है? चलिए आती हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ तेलंगाना में बैठा हूँ मैं, तेलंगाना भी हम सरकार बना रहे हैं। ठीक है चलिए, आपका दावा है वो तो राजस्थान में भी आकर राखी जी। कि देखिए जिस तरह से पेपर लीक से शुरुआत करते हैं, 22 पेपर लीक ये करते हैं, मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, समय है जब तक मैं बोल रही हूँ गूगल कर लीजिए 22 कौन कौन से पेपर लीक हुए, क्योंकि झूठ का पिटारा अभी सामने आ जाएगा शिरीन जी आपके सामने। आप गूगल कर लीजिए, मौका भी दे रही हूँ आलोक जी मैं आपको कि आप गूगल कर लीजिए कि 22 कौन से पेपर लीक हुए, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ पे 18 पेपर लीक कौन से हुए। आप जिस कानून की बात कर रहे थे उस कानून के बनने के बाद शिरीन क्या हुआ है, कॉन्स्टेबल भर्ती, JN भर्ती, वन रक्षक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती सब लीक हो गई। मतलब ये तो लग रहा है आलोक जी ने गूगल करना शुरू भी कर दिया है। ये हाँ वो तो मैंने कहा था, मेरी बात बहुत मानते हैं मेरे साथी, अच्छी बात है, लेकिन ये सारे के सारे पेपर लीक के प्रकरण कब हुए हैं? ये कड़े कानून के बाद में हुए हैं। आप देखिए इनकी जो, और इनफैक्ट हुआ क्या कि जागृतिक पब्लिक स्कूल जो इन्हीं के लोगों की थी जहां से पेपर लीक हुआ, बाबूलाल कटारा, गोपाल केसावत इन्हीं के लोग थे, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग भी इन्हीं के लोग थे। यानी देखिए जब बाकी राज्यों के साथ कंपेयर करके ये राजस्थान के केस को ट्रिवलाइज करना चाहते हैं तो वहां साफ समझ में आता है कि यहां पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे, सरकार के लोग इन्वॉल्व थे, वो सबसे ज्यादा गंभीर विषय है। उन्होंने बात करी उम्र कैद की, हमने उम्र कैद की व्यवस्था की, बताइए जरा किसको उम्र कैद करा दिया, 2 साल हो गए उस कानून को बने हुए। ये कानून बिल्कुल वैसा ही है कि बंदूक तो दे दी लेकिन लाइसेंस नहीं है, बंदूक तो है लेकिन देखिए कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा ना रखी जी। ये नहीं कहा जा सकता ना कि कल क्राइम हुआ और आज उसको आज सजा हो जाए, वो अपने हिसाब से होता है। ठीक है चलिए, मैं मुझे ब्रेक लेना है, ठीक है? बहुत लंबी लंबी बातें। तो राजस्थान में 199 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं, इंतजार अब नतीजों का है। 3 दिसंबर को यह तय होगा कि राजस्थान में होगा क्या, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड रहा है उसे लेकर सवाल कई उठ रहे हैं और इस पर चर्चा भी लगातार हो रही है और हम भी यही चर्चा कर रहे हैं, बंपर मतदान आखिर किसे फायदा और किसे नुकसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अभय जी आपके साथ बात करते हुए। एक अभी जो हमने ब्रेक से पहले एक पायलट फैक्टर की बात की जिसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी एकजुट है और उसका कोई असर नहीं हुआ, क्या लगता है सर ये फैक्टर वाकई वोटिंग के दौरान काम करता है? राखी जी मैं आती हूं आपके पास उसके बाद। देखिए पिछली बार जो गुर्जर मतदाता थे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले थे और भाजपा को गुर्जरों के भीतर में एक करारी शिकस्त प्राप्त हुई थी। इस बार गुर्जर मतदाता पहले की तरह कांग्रेस को वोट दिया जाए ना दिया जाए इस सवाल में उनके अंदर काफी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि उनका नेता कांग्रेस में है, वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा है और वो इस बात से नाराज हैं कि पिछली बार जो वायदा किया गया था उस वायदे को पूरा नहीं किया गया। कम से कम उनकी अपनी समझ थी कि सचिन पायलट को बनाया जाएगा, तो अब गुर्जर मतदाताओं के वोट जो पिछली बार एक तरफा कांग्रेस को मिले थे इस बार उस तरीके से कांग्रेस को नहीं मिलेंगे। ये तो पहला नुकसान होगा इस जो सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ एक पूरे 5 साल तक एक छापामार युद्ध चलाया उसका इस तरह से नुकसान होगा। अब जाट मतदाता हैं क्या, वो किधर वोट देंगे? मैं समुदायों के हिसाब से देखता हूँ, बड़े बड़े समुदाय हैं राजस्थान में, वो किस तरह वोट देंगे? ये सब चीज़ें, या उनके वोट बट जाएंगे, बटेंगे तो कितने बटेंगे, किस तरफ कितने जाएंगे, इसके आधार पर तय होगा कि चुनाव के किसका ग्राफ कहां जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये जाना तो कांग्रेस की तरफ चाहते हैं लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन है इसलिए बट बिखरा। नहीं नहीं मैं ये नहीं कहता, मेरा मानना है कांग्रेस के प्रति तो उनमें नाराजगी है कि भाई कांग्रेस ने पिछली बार उन्होंने वोट दिया था इस उम्मीद के साथ कि सचिन पायलट को बनाया जाएगा। अब उन पर जो भी समझदारी रही हो, जो भी प्रचार उनके बीच में किया गया हो, मुझे नहीं पता है। अब सवाल यह है कि वो अब देख रहे हैं कांग्रेस से नाराजगी जरूर है लेकिन उनका जो नेता है जिसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं वो कांग्रेस में है, वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा है, तो वो क्या करेंगे? ये अब दुविधा हो जाती है ना समुदाय के सामने। बिल्कुल, और इस दुविधा को आखिर किस तरीके से समझा जाए इस पर हम अपने बाकी और भी जो दो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बात करें। लेकिन राखी जी क्योंकि मैंने ब्रेक से पहले आपको रोका था, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जी जी, जिस तरह से अभी अभय आलोक जी अब बात कर रहे थे मैं तो यही बात कहना चाहूंगी, शायद अपने आलाकमान से डिफरेंट व्यू रखते हैं, क्योंकि शिरीन लगातार हमने देखा कि चुनाव प्रचार में गहलोत जी के चेहरे पर तो कभी किसी सीनियर नेता ने नहीं कहा कि ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। शायद हो सकता है आलोक जी की कोई अलग व्यू हो और अलग व्यू रखते हुए वो कहें कि मुख्यमंत्री के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी सीएम फेस कांग्रेस की तरफ से भी डिक्लेयर नहीं था। और जिस तरह से ये कंपेयर कर रहे थे
कांग्रेस के सिर पुटब्बल को बीजेपी से, आप ही बताइए, करोना, गद्दार, नकारा, निकम्मा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कौन अपनी पार्टी के ही लोगों के लिए करता है? कौन सी ऐसी पार्टी होती है जिसका खुद का अपना प्रदेश अध्यक्ष अपनी सरकार को गिराने के लिए काम करता है? कौन सी ऐसी पार्टी होती है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कैंडिडेट हाईकमान को जो है वो धोखा देते हुए, उनको ऊपर आंखें दिखाते हुए काम करता है, जैसा पिछले साल 25 सितंबर को हुआ? तो ये सब कहानियां तो कांग्रेस की है, और जस्ट फॉर बैलेंस से अगर आप बीजेपी पे क्वेश्चन उठाते हैं तो मैं तो आलोक जी से कहूंगी, एक भी ऐसा स्टेटमेंट बता दीजिए जिसमें हमारे नेताओं ने किसी और नेता के बारे में ऐसे शब्दों को, ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं कोई बैंगन बेचने आया हूँ यहाँ पर, तो ऐसे शब्द जो प्रयोग करते हैं जो जनता के सेवा के लिए आएंगे, तो हम कहते हैं हमारे अलावा जनता क्यों नहीं सवाल पूछे? क्यों लोग नाराज होते हैं, बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं अगर पत्रकार पूछ लेते हैं और हम लोग पूछ लेते हैं कि भाई नकारा निकम्मा क्यों बोल देते हो, ऐसा क्यों करते हो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा? और आप देखिए कल परसों ना गहलोत जी ने एक गले लगाते हुए फोटो लगाई थी राजस्थान की, मैं तो कह रही हूँ हमेशा गले पड़े हैं राजस्थान के गहलोत जी, आप ही बताइए 98 में जब चुनाव हुआ, चुनाव लड़ा परशुराम मदेरणा की नेतृत्व में, मुख्यमंत्री कौन बन गए? अशोक गहलोत जी। 2008 के अंदर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने सीपी जोशी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री कौन बन गए? अशोक गहलोत जी। 2018 में चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा? सचिन पायलट के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री कौन बन गए? अशोक गहलोत जी। तो अशोक गहलोत जी गले मिलते नहीं, गले पड़ते हैं राजस्थान के, और इसीलिए इनकी खराब व्यवस्था ऐसी है कि 2003 और 13 के बाद, 2003 में 56 सीटों पे और 2013 के बाद 21 सीटों पे कांग्रेस पार्टी आके सिमटी, यानी कहीं ना कहीं अभय जी जब आप कहते हैं कि चुनाव बहुत अच्छा लड़ते हैं, लेकिन लड़ते हैं अच्छा लेकिन रिजल्ट क्या रहता है? जनता का स्टैंपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद जनता ने क्या किया? चुनाव कितना भी अच्छा हो अगर रिजल्ट खराब है तो वो खराब आपकी गवर्नेंस को दिखाता है, आपने जिस तरह का शासन किया वो खराब था, और वो 2003 और 13 में हुआ। जिस तरह से प्रदीप जी ने कहा हैट्रिक होगी, हैट्रिक इस बार होगी शरीन, क्योंकि 2003 13 और 23 में उसी तरह से जनता जो है गहलोत जी को नकारेगी जिस तरह से पहले दो सालों में किया हुआ है। चलिए ठीक है, उसके लिए तो बना ली होगी अभय जी से, ठीक है। मैं अभय जी के, मैं आलोक जी का रुख कर लेती हूँ। आलोक जी सॉरी, आलोक जी आइए। आलोक जी गूगल हो गया क्या? देखिए मुझे लगता है मैंने तो गूगल किया, मैं तो घबरा गया, मैंने एक केवल पेपर लीक गुजरात डाला तो 20 न्यूज सामने आ गई, टाइम्स ऑफ इंडिया से तमाम लिस्टें आ गई मेरे सामने, और यहाँ पर जो विधानसभा का प्रश्न था उसका उत्तर भी आ गया, और उसके बाद जो गुजरात पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2023 जो आया उसकी भी ड्राफ्ट की कॉपी आ गई, एग्जामिनेशन के जो लीकेज है उसको कंट्रोल करने के लिए। खैर आज का वो विषय नहीं है, बिल्कुल आलोक जी, कहीं 13 की लिस्ट, कहीं 22 की, एक जगह 24 की लिस्ट पड़ी हुई, पटवारी से लेकर सारे के सारे लिस्ट पड़ी हुई है। खैर वापस आते हैं, कबड्डी का मैच नहीं है, झूठी बात नहीं, सर कबड्डी का मैच नहीं है बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया अरे भाई टाइम्स ऑफ इंडिया की आप न्यूज निकाल लीजिए, मेरे पास तो बहुत सारी न्यूज आ गई, और मेरे पास वो लिस्ट भी है, मैं बाई चांस यहाँ से उठ नहीं सकता हूँ, मैं गुजरात का प्रभारी रहा हूँ, और 22 के 22 का ज्ञापन मैंने खुद गवर्नर को दिया था, उसके बाद तो एक दो और भी हो गए होंगे। एक बार मैं फिर कहूंगा, मैं आपको ज्ञापन जरूर दूंगा, वो ज्ञापन की कॉपी में आपको जरूर भेजूंगा, लेकिन अब चुनाव गूगल के आंकड़ों को लेकर यहाँ बहस कर रहे हैं आप प्लीज ग्राउंड पे आइए ना। राखी जी, आलोक जी दोनों से कह रही हूँ मैं, आज हम गुजरात की नहीं राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान को लेकर चर्चा हो रही है, तो प्लीज उसी पर रहिए। आलोक जी प्लीज, इतनी दिक्कत हो रही है तो मैं पढ़वा देता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज ही है, मैंने अभी दो तीन न्यूज निकाली है। आलोक जी ये तो आपने बोल दिया ना, कोई भी पढ़ लेगा, अब आप प्लीज अपनी बात रखिए, आप उसका जवाब दीजिए। आलोक जी जो राखी राठौर कह रही हैं, आप कहते हैं ना चेहरे चेहरे की बात करते हैं, उन्होंने आप ही के चेहरे पे सवाल उठा दिए। इसमें 22 पेपर लीक किया, 22 पेपर की लीक की पूरी डिटेल दी हुई है, और डेट भी बता देता हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज है, ठीक है। There have been at least 22 paper leaks in the state in the past 7 years. ये headline says कि आपको मैं भेज दूंगा, लेकिन आज का चुनाव नहीं है ये, ठीक है। आप गुजरात के अंदर कोई पेपर नहीं बचा था, टेक्स्ट करते रहिएगा, गुजरात निकल चुका, गुजरात के नतीजे भी आ गए, सरकार भी बन गई। राजस्थान भाई आप सुन नहीं रहे दोनों भाई, राखी राठौर आलोक शर्मा जी प्लीज, आप दोनों को राजस्थान पे बात करनी है तो बताइए, अगली न्यूज मेहमानों के पास उत्तराखंड की। आलोक जी प्लीज, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, होगी, आपने दिखा दिए ना सारे आंकड़े, आपने पूरा गूगल जो निकाला था दिखा दिया। घोटाला करने वाले नहीं, मध्य प्रदेश
एक मिनट, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला करने वाले लोग पेपर लीक पर बात करते हैं, जहां 5 दर्जन लोग मर गए। ठीक है, देखिए अब हम अब आ जाएं राजस्थान पर आ जाएं। मध्य प्रदेश के अंदर 5 दर्जन लोगों की मृत्यु हुई, फिर मैं आपसे कह रही हूँ राजस्थान पर जवाब दे दीजिए, सारे लोग गिना देंगे। इनके एजुकेशन मिनिस्टर जेल तक चले गए। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, राजस्थान पे बात कर रहे हैं ना, फटाफट से अपना जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊं। बताइए, राखी जी कह रही हैं आप चेहरे चेहरे की बात करते हैं, आप ही की पार्टी में चेहरे को लेकर इतने सवाल हैं। पायलट फैक्टर हो वो आप लोग भले ही छिपा रहे हो, लेकिन सब जानते हैं किस तरीके से पायलट को लेकर एक नाराजगी, जो अभय जी ने भी कही कि नाराजगी कार्यकर्ताओं के अंदर है। कि मुझे लगता है नाराजगी किसी भी दल के अंदर जो बड़े लीडर्स होंगे वहां पर कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक गुटबाजी होगी। क्या बीजेपी में नहीं है? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरह से वसुंधरा जी के हाथ से मैनिफेस्टो का कागज पोस्टर छीना था, उसके बाद कहीं पर भी वो एक भी सभा करने गई क्या? वो क्या सतीश पूनिया ने जिस तरह से तमाम मंचों के ऊपर उनका फोटो भी नहीं लगने दिया, क्या नाराजगी नहीं थी? ये सब लोगों ने देखा है, सब पार्टियों में, लोकतांत्रिक पार्टियों में होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जातिवाद फैलाएं कि जाकर कहें कि गुजरों का अपमान हो गया है, और गुजरों के लिए वो राजेश पायलट जी को भी याद करें और सचिन पायलट जी को भी याद करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बताता है कि आपके भाषण खोखले हैं, ये बताता है कि आप मात्र जातिवाद और धर्म के आधार पर वोट मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रदीप जी आपके पास आते हुए ये सवाल मेरा, जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि मुख्यमंत्री ने काम किया, अशोक गहलोत ने काम किया है, आप सभी लोग इस बात को लगातार कह रहे हैं, लेकिन फिर क्या वो बात है जो राजस्थान में हर बार जो रिवाज एक चला आ रहा है, और वही अगर इस बार भी, वो तो हालांकि 3 तारीख को तय होगा, लेकिन अगर काम हुआ है तो क्या लग रहा है आपको कि नाराजगी किस बात को लेकर है? क्या ये जो यहाँ पर राखी जी कह रही हैं, बीजेपी लगातार कह रही है कि चुनाव आए हैं तो इनके काम भी सारे बाहर निकल कर आ रहे हैं? देखिए, काम हुआ कोई किसी भी सरकार के बारे में कह सकते हैं, काम हुआ है या नहीं हुआ है, सवाल जनता के मन में होता है कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप काम हुआ है क्या, जो हम इस सरकार से उम्मीद कर रहे थे वैसा काम किया है या नहीं, और दूसरा कि अगर हम फिर इनको मौका दें तो क्या इससे बेहतर कर सकते हैं या इससे बेहतर करना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब जब हाँ में मिलता है वहां उस राज्य में सरकार रिपीट होती है, जहां इस सवाल का जवाब ना में मिलता है वहां सत्ता से बाहर चली जाती है। केवल अच्छा काम, दो मुख्यमंत्री मुझे याद आते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया पिछले 40 45 50 सालों में, अगर याद करें चंद्रबाबू नायडू और एस एम कृष्णा, दोनों चुनाव हार गए। तो बात होती है कि जनता आपसे उम्मीद क्या कर रही और आपने किया क्या, इसके बीच में अगर अंतर है, जो जनता की अपेक्षा है, मतदाता की अपेक्षा है, उस पर आप खरे नहीं उतरे तो आपको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। इस मामले में तो भाई खरे उतरे नहीं उतरे इस पर सवाल सचिन पायलट ही उठा रहे हैं, बार बार अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल बीजेपी से ज्यादा सचिन पायलट ने उठाए। तो इसलिए कांग्रेस की मुश्किल ये है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे इतना लोकतंत्र है, हमारे इतना लोकतंत्र है कि हम अपनी पार्टी के खिलाफ सवाल उठा सकते हैं, वो फिर इसका जवाब इस तरीके से दे देते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र होना पार्टी में, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र के चलते क्या आप अपनी पार्टी का नुकसान करेंगे? ये मुद्दे आप अपनी पार्टी की बैठकों में उठा सकते हैं, पार्टी आई कमान से उठा सकते हैं, हो सकता है उठाया हो, बिल्कुल, इसका मतलब उसके बावजूद अगर सार्वजनिक रूप से सचिन पायलट बोल रहे हैं, हाँ। तो इसका मतलब उनके उनके जो मुद्दे उठाए गए उनका समाधान नहीं हुआ। ठीक है, रामकृपाल जी आपको क्या लगता है कि ये पार्टी के मनोबल पे, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर, और फिर जब ऐसे समय पर जब चुनाव का समय चल रहा हो, कितना असर डालेगा ये सारी चीजें? ये काफी असर डालती है, जो बात भी आप कह रहे थे, लोकतंत्र में अधिकार है किसी को भी सवाल उठाने का, लेकिन जो सवाल उठा रहा है अगर उस पार्टी का एक कद्दावर नेता है, कभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी था, तो वो जो सवाल उठा रहा है यानी कुछ आरोप लगा रहा है अपनी ही सरकार पर। तो सवाल इस बात का है कि जब पार्टी का ही कोई आदमी आरोप लगाता है तब ये आसानी से आप नहीं कह सकते हैं कि अरे ये तो ये पॉलिटिकल रंजिश का मामला है,
जैसे बीजेपी का कोई उठाए, कांग्रेस कह देती है तो पॉलिटिकल मामला है, होता रहता है, लेकिन जब अपने ही सवाल उठाए तो बात सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकार की नहीं रहती, बात रहती है कि जो तथ्य उठाए जा रहे हैं वे अगर गलत हैं तो अपनी पार्टी के उस आदमी के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। अब रही बात दूसरी, जो एक बात पूछ रहे थे अभी हम करें, देखिए जैसे पार्टी की कोर स्ट्रेंथ होती है, यानी पार्टी चाहे सीट पाए ना पाए, हारे जीते, लेकिन एक वोट जैसे बीएसपी का हमेशा 20-22% रहता है, समाजवादी पार्टी का हमेशा 20-22%, अब बीएसपी का कम हो गया है, लेकिन वो चाहे सीट आए ना आए 20-22% उनकी कोर स्ट्रेंथ होती है। इसी तरह से बड़े नेताओं की भी एक कोर स्ट्रेंथ, कोर वोटर होता है, जैसे सचिन पायलट कोर वोटर है, जिसको अमित दुबे जी भी कह रहे थे कि 2018 में वो पूरी तरह से ये मान करके गया था कि सचिन जी मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था राजस्थान का, नहीं हो पाया तो वो दर्द तो उसके सीने में है। और इस चुनाव प्रचार के दौरान गहलोत जी ने साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस आई तो मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, कोई दूसरा नहीं। तो सवाल इस बात का है कि वो वोटर, मैं नहीं जानता, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं ना मैंने देखा है, लेकिन अगर वो वोटर अगर पिछली बार की तरह वो कांग्रेस की तरफ है, अभी भी है, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा, अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, आलोक जी इस पर जवाब ले, लेकिन उससे पहले अभी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप जो मतदान के आंकड़े दिखा रही थी, मैं सब साथियों का और आपका ध्यान उस तरफ खींचना चाहता हूं। जो 2013 में आप देखिए मतदान 66.6% था, नहीं 2008 में मतदान 66.25% है, और 2013 में बढ़के वो 75% हो गया, यानी करीब 9% का उसके अंदर उछाल आया, जिसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ था वो काफी। तो इस बार जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है वो बहुत ही मामूली किस्म की बढ़त है, वो तकरीबन ही माना जा सकता है कि 2018 और 2023 में कोई खास अंतर नहीं है मतदान प्रतिशत। मैं केवल उसी तरफ ध्यान खींचना चाहता था, जो उस वक्त फर्क पड़ा था वो बहुत बड़ा फर्क था। तो आपको ये लग रहा है कि मतलब वो जो कहा जाता है कि ज्यादा वोट पड़ा तो फायदा सीधे, इस बार मुझे नहीं लगता कि वो वोट प्रतिशत से हम लोग किसी निर्णय पे पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। ठीक है, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ, 10 एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जब वोट परसेंटेज घटा है और सरकार रिपीट हुई है, और 10 एग्जाम्पल ऐसे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ा है और सरकार रिपीट हुई है, तो उसका कोई भी डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं होता है। आप पता नहीं क्यों बार बार इस चीज को एस्टेब्लिश करना चाहती हैं कि भाई वोट परसेंटेज बढ़ा है तो बीजेपी की सरकार आएगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया जगत के कुछ साथी अभी भी इसी गलत फहमी में हैं कि सचिन पायलट के भाग का छीका जो है वो बीजेपी फूट के पक्ष में फूट कर चला जाएगा, मतलब सचिन पायलट नाराज है इसलिए बीजेपी की सरकार बन जाएगी, मतलब मोदी साहब ने कुछ नहीं किया, केंद्र ने कुछ नहीं किया, बीजेपी कोई विरोध विपक्ष की भूमिका में नहीं रही। ये सवाल तो उठा ही नहीं, अभी अभी राम कृपाल साहब सिर्फ आपकी पार्टी को नुकसान है या नहीं है, आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा या नहीं, बात इसकी हो रही है, बात सरकार बनने या ना बनने की हो ही नहीं रही आलोक जी। देखिए मैंने कहा राम कृपाल जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह से पॉलिश्ड वे में पूरी तरह से कि बस सचिन पायलट नाराज है इसलिए बीजेपी आ जाएगी, ये बिल्ली के भाग का छीका फूटने वाला नहीं है, सरकार हमारी आ रही है। मतपेटियों में ईवीएम मशीन में वोट बंद हो चुकी है, और मैं फिर बता रहा हूँ तेलंगाना में भी हमारी सरकार आ रही है, आप दावे यहाँ पर अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जितनी देखना होगा, देखना होगा कि 3 तारीख को किसके, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। मैं राकेश जी आपसे कमेंट लेना चाहती थी लेकिन वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, आपसे नहीं उस आगे बात हो पाएगी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और देखिए नतीजा क्या होगा इसका इंतजार तो 3 दिसंबर तक करना ही होगा, और बड़ी कवरेज उस दिन एबीपी न्यूज पर भी लगातार जारी रहेगी।